नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आफ्टर रिटायरमेंट एजीआई के क्या बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम, मेडिकल बेनिफिट स्कीम, सोशल सिक्योरिटी डिपॉजिट एसएसडी स्कीम। अब हम बात करेंगे एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम पर। लाइफ इंश्योरेंस कवर के उद्देश्य से एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत एजीआई ने सन 1981 में की थी। बिना किसी मैच्योरिटी बेनिफिट के आर्मी पर्सनल को एक निर्धारित समय के लिए एक निर्धारित धनराशि के साथ और वह राशि अवधि पूरी होने के बाद रिफंडेबल नहीं थी। इस स्कीम के तहत कोई सेविंग और सेविंग बेनिफिट नहीं था। दोस्तों, 31 जुलाई 2010 के बाद जो कर्मचारी वैलिडिटी पीरियड के बाद तक सर्वाइव करता है तो उसको वन टाइम प्रीमियम रिफंड होता है। इस टेबल में देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल 1994 से लेकर 30 जून 99 तक जो इंश्योरेंस अमाउंट कवर था, ऑफिसर्स का 2 लाख, जेसीओआरएस का 1 लाख, वैलिडिटी पीरियड था 20 साल आफ्टर रिटायरमेंट और 70 साल एज, इनमें से जो भी पहले आ जाएगी। 1 जुलाई 99 से लेकर 30 दिसंबर 2004 तक ऑफिसर्स के लिए 3 लाख का इंश्योरेंस था और जेसीओआरएस के लिए 1.5 लाख का, और इसकी भी वैलिडिटी थी 20 साल आफ्टर रिटायरमेंट और 72 साल की एज जो पहले आ जाए। यहाँ पर एज 2 साल इंक्रीज कर दी। देखिए दोस्तों, 31 दिसंबर 2004 से 29 जून 2009 तक अफसर्स को 4 लाख का इंश्योरेंस दिया और जवान जेसीओ को 2 लाख, और इसकी वैलिडिटी इंक्रीज कर दी 20 साल से 26 साल और एज कर दी 75 साल। 30 जून 2009 से 30 दिसंबर 2013 तक देखिए, अफसर्स को इंश्योरेंस दिया 6 लाख और जवान जेसीओ को दिया 3 लाख। यहाँ पर सर्विस 26 साल है और एज 75 साल। 31 दिसंबर 2013 से 31 दिसंबर 2014 तक ऑफिसर्स का इंश्योरेंस कवर किया 10 लाख और जेसीओ जवान का किया 5 लाख। और यहाँ पर 26 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट और 75 ईयर्स एज ये वैलिडिटी दी। और 1 जनवरी 2015 ऑनवर्ड ऑफिसर्स का इंश्योरेंस कवर 10 लाख है, जेसीओ जवान का 5 लाख, लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट के 30 साल तक वैलिडिटी जो बढ़ाई गई और एज भी 80 साल कर दी। कुछ स्पेशल फीचर हैं एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम के, वो देखते हैं। इसके लिए किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हाई रिस्क कैटेगरी पर्सनल जैसे हार्ट, कैंसर, रीनल डिसऑर्डर, एड्स, किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं है इंश्योरेंस में। नॉमिनेशन प्रोसीजर इसमें एग्जिस्टेड है और पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है। 1 जनवरी 2015 से पूर्व रिटायर्ड सैनिकों का मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ है तो वह DO2 पब्लिश कराकर एनी ग्रुप से नॉमिनेशन बदल सकता है। यहाँ देखिए, प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग एक्सटेंडेड बेनिफिट बाय द NOK, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस तरह से, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल ड्यूली साइंड बाय बेनिफिशियरी, NOK ने साइन करके देना है उसको, एक एफिडेविट देना है इंडेमनिटी बॉन्ड के साथ में अगर किसी का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट गुम हो गया तो, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, एफिडेविट फॉर क्लेम एक्सटेंडेड इंश्योरेंस बेनिफिट, इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर बेनिफिशियरी अगर विडो नहीं है तो, बैंक डिटेल्स चाहिए IFS कोड के साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स के लिए, फैमिली डिटेल्स चाहिए, कंसेंट सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ कंफर्मेशन एंड सीट्रोल डाटा फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिस से चाहिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या पोस्टमार्टम की कॉपी चाहिए, टेलीफोन मोबाइल नंबर चाहिए बेनिफिशियरीज का, और ये किस फॉर्मेट में चाहिए वो सब इन लिंकों से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नित नई जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।